गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव की अप्रत्याशित जीत के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन एक निजी होटल में रखा, जहां पर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहली बार दमखम से चुनाव लड़ने की मुहिम में थे, विजय प्राप्त की गई है। इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष राधेश्याम पारिक, हरि सिंह यादव, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी, विधायक गोपीलाल जाटव, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा उपस्थित रहे। इस मौके पर बताया गया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुना संसदीय क्षेत्र को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत की। नहीं लड़े, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह गई हमारी। हम मांग करते थे उस समय कि हमको और बड़ा नेता दे दो, उस समय नहीं दे पाए, किसी कारण से कमी रह गई होगी। तो प्रयास उस समय भी किया, लेकिन चूंकि हम डिमांड करते थे, आज सीपी में योगी जी की मांग की मिले वो, स्मृति ईरानी जी जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया राहुल गांधी को, वो अशोकनगर में आई, यहाँ 21,000 से जीते वहाँ। राजनाथ सिंह सबसे बड़े नेता हैं पार्टी के, सेकंड नंबर के, वो गुना में सभा लेने आए। तो जो हम लोगों ने डिमांड की और जो बूथ स्तर पर जो समय पर नहीं दे पा रहे वो, और वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने पूरे मध्य प्रदेश में समय पर तो लाइट दी। बीच चुनाव में हम लोग प्रयास कर रहे थे कि ऐसा ना जनरेटर रखवाना है, कोई धांधली हो जाए। हमारे कई क्षेत्रीय के जो इलेक्शन एजेंट थे उन्होंने लिखित में दिया कि जनरेटर का खर्चा हम उठा लेंगे, क्योंकि दिन में 10 बार लाइट जा रही है। इसके विपरीत शिवराज सिंह की जो सरकार थी कभी भी लाइट जाती नहीं थी, जनरेटर वालों के धंधे बंद हो गए थे, ये हम सब ने सुना समझा है। संगठन की मैं एक बात करता हूँ कि संगठन में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिसने थोड़ा कम ज़्यादा जो काम किया सब पे संगठन की नज़र रखा था, डैमेज कंट्रोल के लिए सब वरिष्ठ प्रयास कर रहे थे। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे विधानसभाओं में सारे मंडलों में संगठन चुनाव लड़ा। हमारा एक एक मंडल अध्यक्ष, मंडल के सारे पदाधिकारी पहली बार संगठन आधारित चुनाव जिले में लड़ा और बहुत अच्छी सफलता से चुनाव जीता। यही सब बातें मैं आपके लिए सुना देने के लिए भी था, जब मोदी लहर चल रही थी चुनाव में चल रहा था। देखो क्या है, प्रत्याशी चयन भारतीय जनता पार्टी के संसदीय वोट करता है, क्योंकि प्रत्याशी चयन हम यहाँ बैठे वो लोग नहीं करते। पूरे देश में समीकरण देखा जाता है, कौन सी सीट पर किसको लड़ाना है, सर्वे होता है, तो उनमें कुछ अच्छाई दिखी होगी। हमारा 70,000 से जिला भी था पिछले बार चुनाव में, 72,000 से आ रहे थे। आज अशोकनगर जिले ने वो गड्ढा पूरा किया और विजय श्री हासिल की, और गुना ने उसको 61,000 से बढ़ाया, गुना और भमौरी में। तो वो गड्ढा पूरा करना थी नहीं हमको, आप कहते थे गुना से कैंडिडेट देते थे, अशोकनगर से हार जाते मान लो। उस समय गड्ढा पूरा क्यों नहीं किया जब देशराज सिंह की चुनाव? देखो त्रुटि हुई तो सुधारा ना। देशराज सिंह के चुनाव में 20 साल हो गए भाजपा में, 20 साल में भाजपा राष्ट्रीय लेवल पर 2 बार कांग्रेस की सरकार बना चुकी।